तो पहली बार एशिया कप में तो जगह बना लिया नेपाल की टीम ने, लेकिन क्या पहली जीत भी इसके साथ नेपाल की टीम दर्ज कर पाएगी, क्योंकि मुकाबला है सामने पाकिस्तान के साथ में, जो कि होस्ट नेशन है, अपने घर पर खेलेगी मुल्तान में ये मैच होने वाला है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं दोनों की प्लेइंग 11 पर। अगर आपके पास स्क्वाड नेपाल का दिखा दीजिए, पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 दिखा दीजिए, स्क्वाड पे जरा नजर डालिए नेपाल का स्क्वाड है। रोहित इनके कप्तान है, उनके बारे में क्या आपका विचार है? रोहित पटेल क्वालिफायर्स में रन्स नहीं आए थे, उसके पहले रन्स आ रहे थे जब इमर्जिंग वहां पे हुआ था, क्वालिफायर्स इन्होंने खेला था एशिया कप में, जब क्वालिफाई किया था फाइनल्स में उसके पहले रन्स आ रहे थे, क्वालिफायर्स में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिप हुआ था, लेकिन कंसिस्टेंटली स्टार्ट मिल रहा था, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है मिडिल ऑर्डर में बड़ा की प्लेयर की रोल प्ले करते हैं वहां पे, लेकिन जरूरी है कि बड़े रन्स करें, रन्स स्टार्ट मिलता लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। तो अच्छे प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद आ लीजिए आसिफ शेख, भी बड़े जबरदस्त प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर एज एन ओपनर, मतलब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी, और अगर इनकी परफॉर्मेंस पे भी देखें तो टीम काफी डिपेंड करती है। अगर कुशल भरतेल एक तरफ से रन करते हैं रोल में, आशिफ शेख का भी रोल उतना बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कुशल भरतेल और आशिफ शेख, हाँ। इन दोनों की जोड़ी पर काफी डिपेंड, इसी पे डिपेंड करेगा कोबरा जी के कल नेपाल फाइट भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, बिकॉज रन बना दे, मेरे को लग रहा है रन बना दे, और तो किसी के इतने बस की नहीं है जितना आसिफ शेख और कुशल भरतेल, यही दोनों मेन है। रोहित भी है, रोहित मिडिल ऑर्डर में, लेकिन ये दोनों ऊपर से आते हैं तो ये दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा भार है। ये दोनों जो है आसिफ शेख और कुशल भरतेल दोनों ओपनर्स, और खास बात ये है कि इन्होंने रन्स किए भी हैं, जैसे ओपनिंग मैच वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 290 जब बनाए थे दोनों ने रन्स किए थे वहां पर दोनों ने, उसके बाद भी रन आया था। आई थिंक कुशल भरतेल जिन्होंने 100 बनाया था उसके अगले मैच में भी बनाया था 100, तो मेरे हिसाब से वहां पर क्वालिफायर्स में दोनों ने अच्छा किया था। और पाकिस्तान के क्वालिटी बेस्ड अटैक को अगर ये शुरुआत से, जैसे हमने देखो मैच में देखा ना कि अगर आपने उनको निकाल दिया 8-10 ओवर के लिए, 10 ओवर आपने खेली तो फिर जो बॉल है वो आपके पास हो जाती है, कहीं गेम आप चला सकते हो। तो अगर इन दोनों ने शुरुआत दे दी तो नेपाल का एक चांस है कि अच्छा स्कोर लगा। अच्छा उसके बाद ललित नारायण राजभंशी ऑलराउंडर, और बैट से बोल से खासकर बोलिंग से बहुत ज्यादा रोल रहता है, लेकिन वही है कि लोअर ऑर्डर में किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकते हैं डिपेंड वही करेगा शुरुआत कैसी होती है। भीम शर्की इनका भी वही है, जो अगर वो उनकी रोल ललित राजवंशी, अच्छे प्लेयर है भीम, अगर भीम शार्की का ये है कि अभी पता नहीं खेलेंगे कल नहीं खेलेंगे, कुशल माला और भीम शार्की में से कोई एक जगह चले, कुशल माला भी आपने बताई दिया कि दोनों में से एक होगा। दीपेंद्र सिंह आईरी इन्हें भी क्वालिफायर्स में मौका मिला था लेकिन लेटर हाफ में मिला था, शुरुआत में इन्होंने शुरुआत नहीं करी थी, पहले प्लेइंग 11 में नहीं होता। संदीप लामिछाने की तो है वो वहां पर तो पता खेलेंगे, पहुंच गए ना। चलिए करण एलसी, इन पर काफी नजरें होंगी क्योंकि क्वालिफायर्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है और विकेट टेकर भी है, और नेपाल की टीम में बोलिंग अटैक में इन्होंने इंप्रेस गुलशन कुमार झा, ये ऑलराउंडर है फिर, हाँ ये भी ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। आरिफ शेख विकेट कीपर है वो, और आरिफ शेख और अर्जुन सौद जो है दोनों में से किसी एक को जगह मिली क्योंकि दोनों विकेट कीपर, आरिफ शेख क्योंकि एक्सपीरियंस है वो जगह, सोमपाल हो गए, सोमपाल कामी एक्सपीरियंस बोलर है खास करके, हालांकि लेकिन उन्हें अच्छा इनके जो बॉलर्स है इसमें आपको सबसे खतरनाक कौन लग रहा है, मतलब जो डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक्सपीरियंस वाइज? अगर आप देखो तो लामिछाने तो होंगे ही, वो तो है ही, वो तो होंगे। दूसरे नाम पेसर में करण केसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, करण केसी टू लुक आउट फॉर, और सोमपाल कामी भी क्योंकि खेलेंगे एक्सपीरियंस है, और पहले मैच में एशिया कप के बड़े मंच पर आप एक्सपीरियंस को बैक करोगे वहां पे, तो सोमपाल कामी पर भी काफी नजरें रहेंगी वहां पे किस तरीके से वो परफॉर्मेंस वहां पर करते हैं। ठीक है ठीक है, तो ओवरऑल नेपाल की स्क्वाड ये हो गई, पाकिस्तान की जो 11 हमने आपको दिखाई थी प्रोबेबल 11 वो भी दिखा देते हैं। पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली, अच्छा कल ये भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कि पाकिस्तान किस 11 के साथ खिला रहे हैं, टूर्नामेंट में बार-बार चेंज करना ठीक नहीं रहता, बाबर आजम मेरे ख्याल वैसे भी स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, तो एक बार पाकिस्तान की जो प्रोबेबल 11 हमने बनाई थी वो भी दिखा दीजिए कि लास्ट में पाकिस्तान कल किसके साथ डेब्यू करेगा अपना एशिया कप का इस साल का 2023। सो आई थिंक वही होगा इनका, इमाम फखर, बाबर, चार नंबर पे आपके रिजवान, फिर इफ्तिकार अहमद की जगह आप साउथ शकील रख सकते हैं, साउथ शकील को रखेंगे, इफ्तिकार अहमद को रखेंगे, बताइए। साउथ शकील शायद इंपैक्ट डाल सकते हैं, साउथ शकील पांच पे आ जाएंगे, चेंज कर देना साउथ शकील पांच पे, फिर आगा सलमान, नवाज, शाहिद अफरीदी, नसीम शाह, ये तो सेम है, सिर्फ एक चेंज इफ्तिकार की जगह साउथ शकील। अब ये जो टीम है वर्सेस नेपाल की टीम, अगर मैचअप्स में देखें आप तो केसी वर्सेस इमाम या फकर या बाबर या संदीप लामिछाने वर्सेस ये सारे लोग डिपेंड करेगा कि अब अगर आप देखो ना तो संदीप लामिछाने पर काफी कुछ वहां पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखो बाबर आजम, रिजवान और साउथ शकील हालांकि स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो आगा सलमान हो गए, तो ये जो तीन चार नाम है स्पिन में थोड़ा सा हमने देखा ना कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। और करण केसी जो मैंने नाम दिया था, करण केसी क्योंकि नई बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे वहां पर, किस तरीके से शुरुआत रहती है, क्या जल्दी विकेट ले पाते हैं नहीं ले पाते, क्योंकि अगर शुरुआत मिल गई पाकिस्तान को फिर मुश्किल हो जाएगा, आप फिर भी बड़ा डिपेंड पर चले जाओगे, अगर आपने अर्ली स्ट्राइक कर दी वहां पे
तो बाद में आके लामी छाने जो बीच में आकर गेंद डालेंगे वहां पर, और फिर दूसरे एंड से आप देख लो तो गुलशन झा हो गए, वो भी डाल सकते हैं बीच में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी, बीच में लामी छाने का इंपैक्ट तभी आएगा जब आप ऊपर से निकलोगे, वरना ये भी बड़ा डिपेंड करेगा वहां पर कौन पहले खेल रहा है। अगर पाकिस्तान पहले खेल रही है और उनकी शुरुआत अगर हो गई तो फिर वो 300 बनाएंगे। हां वो फिर आप बहुत अच्छे बनाएंगे। तो अगर उन्होंने ऐसे ऐसा रन चेस बना दिया, ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जो रीच से ही बाहर है तो ऑब्वियसली, और मैं अगर नेपाल पहले खेल रही है उन्होंने अगर वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, शुरुआत अच्छी नहीं होती तो फिर मैच ही वैसे वन सेटल हो गया। यहां पर टॉस भी बड़ा है, मैं कि पहले टॉस कौन जीत रहा है, कल मैच होकर आए मुल्तान काफी गर्मी हो रही है वहां पे, वहां पे कितना है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, वहां तो डेड पिच होगी बैटिंग वाली, बैटिंग फ्रेंडली 300 आप मान के 300 एवरेज, पाकिस्तान शायद टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले या 300 प्लस ही मारेगा, बैटिंग फर्स्ट एज है, बेसिक बैटिंग फर्स्ट जो है वो एज होगा वहां पर। ड्यू फैक्टर वगैरह कोई रात में इस समय पे वेदर के अराउंड हो सकता है, ड्यू फैक्टर भी प्ले में आया, लेकिन डिपेंड वही करेगा ना, ड्यू फैक्टर तो तब प्ले में आएगा जब आप रन्स कम बनाओगे। अगर आपने रन्स इतने ज्यादा बोर्ड पर लगा दिए, सपोज पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है और उसने पहले इनिंग्स में 300 रन दिए, उससे ऊपर अच्छा सुपर चैट एक मिस हो गई थी क्या, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ।